कुछ दिन बाद मुझे It's okay, baby, it's okay. मुझे बहुत डर लगता है. देखो लड़की को एटीट्यूड दिखाओ तो खुद चल के आ जाती है. ये तुमने देखा है अभी, बुला रही थी नहीं आ रही थी, जरा एटीट्यूड दो तो फिर आई लव यू. अगर तुमने किसी से कहना है ना कि रोटी ला दो, हाँ, तो तुम कहोगी रोटे रोड़ा, रोटे रोड़ा, रोटे और वशी रोटेला और वशी रोटेला. अच्छा, पश्तो में मुझसे प्यार का इजहार करो. जमा कला कला झड़की गई चे या उदास है छड़क वरकम ताला. उदास से सड़क जो कहा है ना, वहीं से मुझे हुआ है कि तुमने कोई बहुत जालिम बात की है मेरे बारे में. वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज इरजा खान पॉडकास्ट. आवर गेस्ट टुडे इज अ वेरी स्पेशल वन. शी इज द नंबर वन कंटेंट क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीमली टैलेंटेड, शदीद फनी, हैज अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, क्वीन ऑफ इंस्टाग्राम, आरजू फातिमा. अच्छी तारीफ कर दी है या फिर कुछ और भी बोलना यार था? मुझे लगा था कि तुमने बहुत ही कोई लंबी चौड़ी तमहीदे बांध रही है, ये क्या बात. चलो है? वो भी कर देती हूँ. आई है मेरी जिंदगी में आरजू बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके. क्या बात है, इसमें पीछे से आवाजें आ रही हैं सीटियों की. बिल्कुल मुझे आवाजें आ रही हैं. ये है जी इनकी मिट्टी. मिट्टी क्या तोती है? ये है जी अफ्रीकन ग्रे पैरट. हमारे घर का ये बहुत एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. कभी कभी तो ऐसा लगता है इस घर की मालिक यही है और हमारी कोई बात. नहीं नहीं बेटे अभी नहीं देखा. अब तुम देख रही हो अब उसको ना, हम इतनी देर से बैठे हुए थे लेकिन उसको नहीं अंदाज़ा हो रहा था कि काम नहीं हो रहा उसको. उसे पता था. काम शुरू हुआ है ना, दंदल पड़ गए भाजी. मुझे बहुत शदीद डर लगता है कोई जानवर हो, कोई परिंदा हो, मतलब कुत्ते. क्या बोली है? कहती है दानियाल को हम कोको कहते हैं. कहती है कुकु. अच्छा आरजू, हम अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं. ये तो बोलती रहेगी. मैं चाहती हूँ कि हम आपस में कोई ऐसी रिवायती बातें ना करें जिस तरह से टीवी शोज वगैरह पे होती है. इस पॉडकास्ट का जो मेन मकसद है वो ये है कि हमें एक कॉन्वर्सेशन करनी है, जस्ट लाइक फ्रेंड्स. बिल्कुल, जैसे दो दोस्त से बैठ कर बात कर रही हो. इस वक्त जो तुम्हारी करंट लाइफ चल रही है उसको अगर तुमने एक हैशटैग में बताना हो तो वो क्या होगा? हैशटैग WTH. What the hell? क्यों? मुझे तो लगा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है. नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो सब कुछ ठीक लग रहा है, बट आई थिंक इतना सब कुछ हो रहा है एक ही टाइम पे कि समटाइम्स इट इज़ वेरी हार्ड टू कीप ट्रैक कि यार अच्छा जो एक काम शुरू किया था पहले वो ख़त्म कर लूँ और अब जो है दूसरा तीसरा भी साथ ही आ जाता है. तो मुझे लगता है कि शायद मुझे टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से मेरी ज़रा थोड़ी व्हाट द हेल वाली जो मेंटल स्टेट है वो मेरी वैसी है. और अभी मैंने तुम्हें बताया कि मेरी मेड फिर भाग गई है. तो अब तुम मुझे एक बात बताओ कि इस सब और तुम्हें पता है कि शूट के वर्किंग आवर्स कितने क्रेजी हैं. तो मैं जब सुबह उठती हूँ ना तो वो उठती ही या तो इस न्यूज़ से हूँ कि यार अब वो फिर भाग गई है या फिर वो जो है अब फ़ोन नहीं उठा रही. तो वो सुबह उठते साथ ही वो नाश्ते और खाने बिकॉज मतलब एवरीवन इन माय हाउस इज अ वर्किंग पर्सन. तो उनके सब लोगों के आने से पहले जो है ना वो फिर मैंने एक वो रेडी करके चीज़ें उसके बाद छूट पे जाना वापस आना. तो इसीलिए ये वाली स्टेट चल रही है. ये जो घर के कामों के दुख है ना इस पर तो मैं तुम्हारे साथ इजहार अफसोस करती हूँ. लेकिन जो हमें प्रोफेशनली जिस तरीके से काम मिल रहा है इस वक्त उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है कि काम आ रहा है. बिल्कुल एब्सोल्युटली, ये मुझे लगता है रजा बहुत बड़ी ब्लेसिंग है विद द काइंड ऑफ इकोनॉमी दैट वी आर इन. मुझे तो अच्छा लगता है ये कि मेरे पास ना एक बंदा है जिस तरह तुम हो कि मैं तुमसे डिस्कस कर यार ये काम है. हम बजट किस तरह आपस में डिस्कस करते हैं कि इसको इतना कह दें इसको इतना कह दें. उसके बावजूद भी आई फील अल्हम्दुलिल्लाह कि एक ऐसे टाइम में वेयर जहाँ इतने बुरे हालात चल रहे हैं अल्लाह का लाख. एक बड़ी स्टूपिड बात है लेकिन जब मैं छोटी थी तो मेरे जहन में पता है क्या कॉन्सेप्ट था कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है तो हर साल आपका उस हिसाब से इंक्रीमेंट लगता चला जाता है आपके एक्सपीरियंस के साथ. कि जैसे अगर मेरी नौकरी लगी है फर्ज करो 50,000 की, तो अगले साल वो 1,00,000 हो जाएगी, फिर अगले साल वो 1,50,000 हो जाएगी, फिर 2,00,000 हो जाएगी, फिर 3,00,000 हो जाएगी. हर साल मतलब मेरे पैसे बढ़ते जा रहे हैं और मैं इस खुशफहमी में मुब्तला थी कि इसी तरीके से होता है सबके साथ, ऐसे ही होता है. लेकिन ऐसे नहीं होता, सबके साथ ऐसे नहीं होता है. एक मीम भी है.
नहीं यार, ये अगर ऐसा होने लग जाए तो मतलब ये सारे ही आई थिंक हर कोई एक लेवल पे आ जाए, हर कोई खुश हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। आई स्पेसिफिकली व्हेन यू हैव टू यू नो आस्क फॉर योर ओन इंक्रीमेंट कि यार मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने इतना काम किया है, और उसके बाद भी जब आपको वो 2-3% लगता है ना तो सड़ जाती है। सही बात है। तो आरजू, हाउ होशियारियां हैपेंड? तुम टीवी, मुझे पता है कि कुछ अरसे से छोड़ चुकी थी, पहले तुम ड्रामास या इस तरह की चीजें, टीवी सीरीज ये सब कर रही थी, फिर तुम कॉर्पोरेट सेक्टर में चली गई। होशियारियां कैसे? फनी स्टोरी, मैं घर पे बैठी हुई थी, क्वाइट लिटरली चिल कर रही थी, ऐसे इसी सोफे पे, इसी लिटरली चिल कर रही थी, और मुझे जो प्रोड्यूसर साहब हैं हमारे, हसनैन नाफे, उनका मुझे मैसेज आया कि हाय, दिस इज हसनैन फ्रॉम ARY न्यूज एंड आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। मैंने ना मतलब ये, मैंने कहा ठीक है, ARY न्यूज है, मतलब ARY न्यूज सुन के आई थिंक द फर्स्ट थॉट दैट केम टू माई माइंड वॉज कि अच्छा एज अ गेस्ट बुलाने, क्योंकि उन दिनों वो दानियाल के साथ जो मैंने ढोलकी वाली वीडियो की थी ना वो बहुत वायरल हुई थी, तो वो इंटरव्यूज के लिए कॉल्स आ रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी इस तरह हमारा शो है होशियारियाँ का, तो मतलब आई वुड लाइक टू गिव यू अ कॉल। मैं उस वक्त भी इस डिलूजन में थी कि यार क्या ही हो जाएगा, वो होता नहीं है दैट यू कीप ऑन थिंकिंग क्या ही हो जाएगा। तो मैंने कॉल उठाई तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी इस तरह हमारा शो है और हम चाह रहे हैं कि आप एक दफ़ा आके हमसे मिल लें। मैंने कहा अच्छा जी कहाँ पे होती है शूटिंग वगैरह, तो उन्होंने मुझे कहा बहरिया टाउन। अब बहरिया टाउन कहाँ, फेज 5 कहाँ, तो मतलब मैं तो यही सोच रही थी ना कि यार मतलब मैं इतनी दूर मैं नहीं जा सकती, सीन ही कोई नहीं है। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा जी मैं नहीं आ सकती। तो उस पर उन्होंने कहा, मैंने कहा जी बहुत दूर है, मसला हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा गाड़ी भेज देते हैं। तो मसले सॉल्व करे ये तो, मैंने कहा ये तो अच्छा प्रोड्यूसर लग रहा है मुझे जो मुझे सॉल्यूशंस दे रहा है। तो अच्छा, और यकीन करो इरजा, मैं इतने बुरे दिल से आई थी, एंड बाय बुरा दिल आई मीन दैट आई हैड ऑलरेडी थॉट दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस एंड आई एम जस्ट गोइंग दिस जस्ट डूइंग दिस क्योंकि जी मैं बस, क्योंकि उन्होंने गाड़ी भेज दी है कि उन्होंने इतना एहसान कर दिया। अच्छा, और हुआ वही कि गाड़ी आ गई, मैं जब गई हूँ वहाँ पे तो मेरी, मैं एक आई थिंक हारून, जो हारून साहब वाला कमरा ना, उससे पहले वाला जो एक रूम है वहाँ उन्होंने मुझे बिठाया। दानिश भाई आए अपनी बड़ी बड़ी मूछे दाढ़ी लेके और ऐसे बैठे। तुम डर गई पहले? नहीं, कि ये कौन है, इन्होंने तो गुंडे भी रखे हुए हैं, छोटे छोटे गुंडे, इतने काम की होंदा है, इतने इन्होंने छोटे छोटे गुंडे रखे ने बढ़िया मुछा वाले। तो उन्होंने ना मुझे आते साथ ही इस तरह की, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि यार आई हैव सीन यू समवेयर। मैंने कहा यार मेरी ना वो ढोलकी वाली वीडियो वायरल हुई है। उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा आप लोगों ने मुझे क्यों बुलाया? कहते वो अभी जब आएंगे हारून साहब तो वो आपसे डिस्कस करेंगे। अब वो आए तो हारून साहब को तो मैं, इरजा वो बंदा तो इन लाइक पहली मुलाकात में ना, मैं हारून साहब को अभी भी कहती हूँ, इतना घमंडी, इतना एटीट्यूड वाला आदमी, मतलब मुझे था भाई आपने बुलाया है, आप किस बात का एटीट्यूड दे रहे हैं, ठीक है। एंड उन्होंने कहा अच्छा आप एक काम करें, ये है फॉर्मेट है शो का, आप आके बैठ जाए। मैं जाके बैठी हूँ, मैंने सबको देखा है और वहाँ पे 110% कन्फर्म था कि मैं इस शो पे नहीं आ रही हूँ, सीन ही कोई नहीं। देन आई मेट यू, और स्पेसिफिकली जो कॉन्वर्सेशन हुई थी मेरी हसनैन साहब से वो ये कि देयर इज ऑलवेज अ प्रिटी गर्ल इस तरह के शो में, हु इज दैट प्रिटी गर्ल। उस वक्त तो मैंने ना यूं करके एंट्री की स्लोमो में, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम मुझे हारून साहब के साथ नीचे जो बिस्किट्स पड़े हुए होते हैं ना, वही तुम चोरी करके ना खा रही थी उस वक्त। तो मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा क्योंकि उस वक्त तुम्हारे मुंह में बिस्किट था, नहीं तुम अच्छी लगी थी मुझे, मजाक नहीं, मैंने बहुत प्यार से, मैं इतने प्यार से बात नहीं करती लेकिन मैंने बहुत प्यार से बात की थी, आई रिमेंबर। हाँ नहीं नहीं, तुमने बड़े अच्छे तरीके से बात की थी, जो तुम्हारे से जो मुझे इशूज थे वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन एनीवेज मैं तुमसे मिली और आई रिमेंबर कि मैं वहां पे आई थिंक हार्डली 15-20 मिनट बैठी होंगी, एंड आई हैड डिसाइडेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू कम ऑन बोर्ड बिकॉज मुझे थोड़ा सा अपना आप मुझे मिसफिट लग रहा था, मजा मुझे बहुत आ रहा था, जोक्स बड़े अच्छे थे लेकिन मुझे अपना आप नहीं नजर आ रहा था उधर। मैं चली गई, मैं जब गई हूँ वापस, मैं घर आई हूँ तो मुझसे मेरी फैमिली ने पूछा क्या सीन है, मैंने कहा ठीक है बस, मतलब मैंने नहीं करना, उन्होंने कहा ठीक है। कुछ दिन बाद मुझे दोबारा हसनैन साहब की कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि आप ना आ जाएं अपना वो करने के लिए। इरजा मैं इतनी कोशिश की थी मैंने इस पूरी चीज को इवेड करने की, मैं फिर उस जोन में आ गई, मैंने कहा यार अच्छा चलो एक दिन है ना, करके तो देखूं करके तो देखूं। मैं चली गई,
मैं चली गई और मुझे याद है कि जो मेरा पहला शॉट था ना, हाँ, वो ये था कि मैं मेरा कैरेक्टर ये आगा था कि साहब की बेटी आगा साहब बनी की बेटी हुई थी, बनी हुई थी और वो बाहर वाले मुल्क में होती है, और जब मैं हाँ, एंट्री मारती हूँ, बड़ी धांसू किस्म की एंट्री थी, इज ऑल हाँ आई रिमेम्बर। थ्रू आउट दैट डे आई फेल्ट कि यार शायद मैं गलत थी, शायद हाँ मेरी सोच थोड़ी गलत थी। आई थिंक इट्स ओके, आई थिंक हाँ दिस इज ओके, इतने बुरे लोग नहीं है ये, नहीं ना लोग तो नहीं, हाँ आई थिंक दिस फील्स नाइस। हाँ एंड व्हेन आई केम बैक होम हाँ आई हैड मिक्स्ड फीलिंग्स, बट ज़रा ज़्यादा मेरा ये हो गया था कि यार अभी भी कुछ पता नहीं। हाँ कुछ दिन बाद मुझे इट्स ओके बेबी इट्स ओके, मुझे बहुत डर लगता है मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं बता रही हूँ ये मिट्टी को तुमने मुझसे दूर रखा है। I love you, तुमने देखा कैसी एंट्री मारी है, तुमने कहा कि गेस्ट आता है तो मिट्टी नहीं आती है पास। बेबी व्हाट यू वांट, आरजू जब ऑफिस आती है ना तो इसके यहाँ यहाँ सारे निशान होते हैं, मिट्टी ने इसे पंजे मारे होते हैं। मैं बिल्कुल ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसको आप अपने काबू में करके रखें। अच्छा अच्छा बात सुनो, इधर इधर, अच्छा वो नाराज है क्योंकि तुम मेरे साथ बैठी हो तो वो नाराज है। मैं दूर बैठी हूँ, मैंने बहुत फासला रखा हुआ है। हाँ हाँ कोई बात, आरजू इसको हटा ले, वो मैं हटा ले। अच्छा चलो मिठी मिठी जा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेबी, इधर आ जाओ, उधर नहीं, इर्जा खाला के पास नहीं जाना। नहीं मैं खाला नहीं हूँ इसकी। अच्छा इधर आओ, बात सुनो मेरी, बात सुनो बात सुनो, मेहमान जब आते हैं तो तमीज करते हैं ना, मेहमान आते इसको हैं तो तुम अपने हाथ पे बिठा के बात कर सकती। हाँ हाँ इधर आएगी तो बात करूंगी ना, वो आ तो जाए पर, इधर आओ बात सुनो मेरी। लिसन टू मामा, कैन यू लिसन टू मामा मिठी, कैन यू लिसन टू मामा मिठी। यार वो तो मुझे नाराज लग रही है तुमसे, क्योंकि तुम बैठी हुई हो ना, उसको मैंने बहुत देर से उसको मैंने पूछा नहीं चाय पानी ना। अच्छा इधर लिसन मिठी 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 मिठी, इधर आओ, ये फीमेल है ना, फीमेल है, इधर आओ। फीमेल्स पे वैसे ही मुझे कोई इतना यकीन नहीं है, अभी हम इस पे भी बात करेंगे, अभी हम इस पे बात करते हैं। इधर आ जाओ आ जाओ, आओ तुम्हारा मैं ना डेब्यू कराऊं। अच्छा खैर है ठीक है, चलने दो इसको। अच्छा ऐसे ही, हाँ जी, तो हम होशियारियां की बात कर रहे थे। तो मैं जब बाय द टाइम आई केम बैक इज मतलब, देखो लड़की को एटीट्यूड दिखाओ तो खुद चल के आ जाती है। ये तुमने देखा है, अभी बुला रही थी नहीं आ रही थी, जरा एटीट्यूड दो तो फिर। आई लव यू, थैंक यू थैंक यू, पता नहीं ये हम लगा सकेंगे या नहीं, क्यों नहीं लगा सकेंगे, क्यों नहीं लगा सकेंगे। अच्छा तो फिर क्या हुआ, उसने उतार लिया है, यार शी सो टैलेंटेड, उसने उतार लिया है, दिस इज मामाज, ये खा तो नहीं जाएगी, कैन यू गिव इट बैक। अच्छा नहीं करने दो, अच्छा चलो। तो उन्होंने जब मुझे दोबारा बुलाया, अच्छा सो देन उसके बाद जब मैं वो आ गई ना वहां से, तो मुझे था कि अच्छा ठीक है, अभी ये लोग मुझे खुद ही बता देंगे कि इन्होंने रखना है या नहीं रखना। मुझे कुछ दिन बाद दोबारा कॉल आई तो उन्होंने कहा बस ये आप आके अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर लें। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, इसका मतलब के सीन इसका ऑन है। मतलब कि तो हो गया होगा, बिकॉज अक्सर आप ये भी, क्योंकि मैंने ये सुना था कि जब आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो ना जिस पे आप अपने बलबूते पे गए हो, तो वहाँ पे नॉर्मली ना पर्ची की बड़ी आवाज़ें लगती हैं कि जी ये तो जो है ना किसी रेफरेंस से आई है। और मुझे बहुत ज़्यादा ये बैकलैश इस तरह फेस करना पड़ा था, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु सेड कि अच्छा ये किस रेफरेंस से गई है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम टेलिंग पीपल ऑन योर पॉडकास्ट कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत की बेसिस पे गई थी, कि मुझे उन्होंने खुद ही कॉल की थी। आई नेवर रीच्ड आउट टू एनीवन। आई रिमेंबर कि नाफे ने मुझे बताया था कि मैंने इसको सोशल मीडिया पर ही डिस्कवर किया है। हाँ तो कोई पर्ची वाला सीन नहीं था, मतलब हम गवाह हैं इस चीज के। जब तुम आई हो तो हमारी जो कोऑर्डिनेटर है आयमा है, मैंने उससे पूछा था कि ये कौन है ना लड़की, तो उससे मुझे कहा कि आपने इनकी वीडियोस नहीं देखी, तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा ये ऑलरेडी कोई बड़ी वायरल बंदी है, फिर मैंने तुम्हारी वीडियोस देखी, तुम्हें स्टॉक किया। हाँ दोस्ती करने से पहले जरूरी होता है बंदा स्टॉक कर लो, बंदा के हो जाए। लेकिन हाउ वी बॉन्डेड, मैं आई एम नॉट गोइंग टू लाई, हाँ I thought, यार मैं बोल नहीं सकती, बोल दो। हम बहुत सारी बातें जो usually करते हैं वो हम यहाँ पे इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम
तमीज़दार लड़कियां बन के बैठे हुए हैं। सुशील, सुशील हम इतनी तमीज वाली हैं लेकिन तुम उसको जरा शुगर कोट करके बता सकते हो यार। क्वाइट फ्रैंकली मुझे ये याद है कि ना हमारे मेकअप रूम में ना तीन चेयर्स पड़ी हुई होती है, मी बीइंग मी, मुझे मेकअप वाली जो तीन चेयर्स पड़ी हुई होती है, मी बीइंग मी मुझे नहीं पता था कि ये वो तुम्हारी डेजिग्नेटेड चेयर है। ओके, तो अब आई डोंट नो कि जब मैं आई हूँ वहां पे तो आई थिंक तुमने मुझे ना इस तरह के कहा था कि ये मेरी चेयर है, ऐसा नहीं हुआ था इरजा, ऐसा बिल्कुल हुआ था। मैं एक निहायत लिहाज रखने वाली खातून हूँ, गलत बात मैं ये बोल ही नहीं सकती। मुझे मुझे बस ये याद है मुझे उस चेयर से उठाया गया था, मुझे नायमा ने तुम्हें उठाया था, मुझे अच्छे से याद है। नायमा ने मुझे कहा आरजू बैठ गई थी यहाँ पे, तो मैंने उन्हें उठा दिया था, तो मैंने उसे बोला कि कोई बात नहीं ठीक है, अच्छा पहला दिन है तो हम जाने दे सकते हैं, आगे से टाइट कर लेंगे लड़की को, कितनी तुम पहले दिन का एज दे दो। तो मुझे याद है कि मैं फिर ना तीसरी चेयर पे बैठी थी और मुझे जो है मुझे उस दिन ये अंदाजा हुआ था कि अच्छा ये जो पहली चेयर है ना ये प्रिंसेस की है, ये प्रिंसेस की चेयर के साथ आप तो नहीं, फिर यहाँ पर तो नेगेटिव थॉट आ जानी चाहिए थे ना जहन में। हाँ, लेकिन लेकिन हुआ ये कि लाइक एज सून एज यू एंटर्ड तुमने अपना मेकअप वगैरह करवाना शुरू किया एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड यू वाज के यार यहाँ पे जो सबसे साफ वाला बाथरूम है वो कौन से वाला। तो मैं ये सवाल पूछ किसी और से रही थी, तुमने अपनी एक ही आंख खोल के ना मुझे यूं जवाब दिया था क्योंकि तुम्हारी एक आंख पे आई शैडो तो तुमने कहा अगर साफ वाले में जाना जो दूसरे वाला बाथरूम है ना उसमें जाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है हाँ जी आपने भी बाथरूम जाना है मैडम। अब मरहूम ने काफी लेट ज्वाइन किया था ना तुम्हारे भी आने के मेरे 3 महीने बाद ज्वाइन किया था और तब तक हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी हुई थी। एंड आई रिमेम्बर कि पहले 2-3 दफा मैं तुम्हारे साथ वापस गाड़ी में गई थी और जब मैंने तुम्हारी प्लेलिस्ट देखी थी ना मुझे समझ आ गई थी कि ये लड़की ठीक है, ये अपने जैसी है कि हर तरह के गाने हैं ना, सैड भी है और डांस नंबर्स भी है। पहला गाना जो तुम, हालांकि मुझे चीजें इस तरह याद नहीं रहती लेकिन तुमने शाहरुख खान का वो लगाया था झूमे जो पठान में, अच्छा वो लगाया, मैंने कहा यार ये लड़की ठीक है चल जाएगी इसके साथ। And then I don't know as like the time went by genuinely मतलब हमारी ना मुझे तो अब इस तरह नहीं याद कि हमारी बातें शुरू कहाँ से हुई थी, कहाँ से हुई, हाँ। लेकिन I just remember कि शायद मेकअप रूम में या बाहर हम दोनों कहीं खड़े हुए थे, we randomly started talking और उसके बाद वहाँ से यहाँ तक का सफर। ये मैंने सवाल तुमसे इसलिए भी पूछा कि जैसी नेचर मेरी है मुझे नहीं पता मुझ में फॉल्ट है या दूसरी पार्टी में कोई फॉल्ट है, आई हैव नो क्लू, लेकिन मेरी ज़्यादा लड़कियों से बॉन्डिंग कभी हो नहीं पाई है। फीमेल फ्रेंडशिप्स ने हमेशा मुझे एम्बेरस ही कराया है, मेरे साथ धोखे ही हुए हैं, तो मैं ज़्यादा लड़कियां दोस्त बनाती भी नहीं हूँ और मेरी बहुत फ्रेंड सर्कल में ना लड़कियां हैं भी नहीं, मैं गिन सकती हूँ अपनी उंगलियों पे, एक अरीबा है, एक समिया है और आरजू है, बस 3 ऐसी लड़कियां हैं कि जिनके साथ मैं अपनी हर कोई बात शेयर कर सकती हूँ। सो मैंने ये फील किया कि तुम्हारी लाइफ में भी ऐसा ही सीन है। मतलब मैं मेरे इर्द गिर्द ज्यादातर जो फ्रेंड्स रहे हैं आई हैव ऑलवेज हैड मोर गाय फ्रेंड्स, आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन स्टैब्ड इन द बैक बाय गर्ल्स बाय वुमेन। अच्छा, एंड व्हेन आई मेट यू तो तुम एक दूसरी तीसरी बंदी हो मेरी जिंदगी में जो के जिससे मेरी इतनी क्लोज फ्रेंडशिप है, वरना तो मेरा इर्जा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है लड़कियों के मामले में, वो चाहे स्कूल लेवल पे हो चाहे कॉलेज लेवल पे हो चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे हो। तो मैं तुम्हें भी काफ़ी अरसा बेनिफिट ऑफ द डाउट देती रही हूँ कि ये कभी ना कभी तो अपना असली रंग जरूर दिखाएगी, अल्लाह का शुक्र है तुमने नहीं दिखाया, अब आगे का मुझे पता नहीं, अभी तक मैंने छुपा के रखा है। निकाह आई न्यू अच्छा मैं मतलब मैं बताना चाहती हूँ, ये मेंशन करना चाहती हूँ कि मैं फ़ोन पे बात ही नहीं कर सकती, मतलब मुझे कॉल्स आती है ना तो मैं काट देती हूँ, कहती हूँ कि प्लीज़ टेक्स्ट, ये वो बंदी है कि जिसे मैं दिन में 25-25, 26-26 कॉल करती हूँ और मुझे होता है कि ये तंग आ जाएगी और कहेगी कि खुदा का वास्ता, बल्कि वो मुझे कहती है कि यार तू शादीशुदा होके मुझे हर वक्त फ़ोन किए रखती है, तेरा मसला क्या है। और ये मैं आज ऑन रिकॉर्ड बता रही हूँ कि मैंने इर्जा से एक दिन पूछा, मैंने कहा इर्जा फ़र्ज़ करो कि अगर मेरी कभी शादी हो जाती तो तुम क्या करोगी, तो कहती है तो मैनेज करो जैसे मैं कर रही हूँ। मैंने कहा बीबी तेरी शादी को तो इतने साल हो गए, कहती है तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे प्रायोरिटी रखो, मतलब ये है इस बाजी का तो होशियारियाँ से अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उस चीज़ पे आते हैं जो आपका फोटे है, जो आप हमेशा से करती आई हैं, जिसकी वजह से आप होशियारियाँ तक भी पहुँची हैं, कंटेंट क्रिएशन।
कोविड के टाइम पे आपको ऐसा लगा कि मुझे कंटेंट बनाना चाहिए? कितने फॉलोअर्स थे व्हेन यू स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट? 3,000 3,000 एंड नाउ यू हैव माशाल्लाह ऑलमोस्ट 230 तो क्रॉस हो चुके हुए हैं. 230 क्रॉस होने वाले हैं. होने वाले हैं? होने वाले नहीं, आई गेस हो चुके हैं. नहीं नहीं अभी आई थिंक आई एम ऑन. अच्छा नहीं, आई थिंक आई एम ऑन. हाँ नहीं 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 238. यू आर राइट, यू आर राइट. 228 तो ऑलमोस्ट मेरे हो गए. मुझे याद है कि तुम्हारे मुझसे ज्यादा है, तो 240 टच करने वाले. बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक की जो जर्नी है ये ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर तुमने की है. 2 साल की जर्नी है. मतलब अमेजिंग तुम्हारी जर्नी रही है. बड़ी जल्दी तुमने इंस्टाग्राम पे ग्रो किया है और टिकटॉक पे तो माशाल्लाह इससे भी ज्यादा है. तो वो पहला प्लेटफॉर्म कौन सा था, टिकटॉक था या इंस्टाग्राम था, जहाँ से तुमने शुरुआत की थी? मैंने शुरुआत तो की इंस्टाग्राम से थी. और मजे की बात में तुम्हें बताऊँ, टिकटॉक मेरे लिए हमेशा से वो वाला प्लेटफॉर्म था जिसको ना मुझे था क्रिंज कंटेंट, ये तो कभी भी डाउनलोड नहीं करूँगी. और अब देखो टिकटॉक के बगैर तो मेरी वो है ही नहीं. मतलब कि टिकटॉक पे अब मैं पहले पोस्ट करती हूँ चीज़. बिकॉज आई थिंक व्हेन टिकटॉक लॉन्च्ड उस वक्त ये परसेप्शन था कि यार ये तो ना उन लोग पिल्ले टाइप, वन टू थ्री पिल्ले ये तो इस तरह के लोगों का जी कंटेंट है. लेकिन मुझे एहसास हुआ कि उस पे ऑल्दो हमें उस पे भी कोई एतराज नहीं है. हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंस है. वो जिस तरह का लोग देखते हैं वो वाला कंटेंट, देयर इज नो जजमेंट ऑन दैट. अच्छा मैं यहाँ पे एक और चीज कहना चाहती हूँ ऑन रिकॉर्ड के तुम वो कंटेंट क्रिएटर हो कि जिसने होली सोली अपनी टैलेंट के बुनियाद पर, अपने कंटेंट की बुनियाद पर फॉलोअर्स जनरेट किए हैं. अदरवाइज अब लोग ना आपके कंटेंट से ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्टेड है कि ये कहाँ जा रही है, इसका बॉयफ्रेंड कौन है, किसके साथ खा रही है, ये क्या कर रही है, इसका घर कैसा है, इसके पास गाड़ी कौन सी है, ये चीज़ें जानना चाहते हैं. मैंने कभी नहीं देखा कि तुम ये सारी चीज़ें जो है वो कोई ग्लोरीफाई करके दिखा रही हो या कोई चीज़ शो ऑफ कर रही हो. तुम नहीं कर रही हो. तो कभी ख्याल आया कि मैं वो वाला कॉन्टेंट भी दिखाना शुरू कर दूँ? इससे तो मतलब मज़ीद तेज़ी से फॉलोअर्स आएंगे. सबसे पहले तो ना मैंने, मुझे ज़रा एक मिनट लेने दो सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन अप्रिशिएट करने पे. इतना को प्यारा सवाल पूछा है तुमने. ये दिल ये और ये लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन हैव द सेंस टू आस्क दिस क्वेश्चन. ये तुमने मेरे इमोशंस के साथ इस वक्त तुम खिलवाड़ करने लगी हो. मैं तुम्हें बता रही हूँ. रोना मत. आई हेट टीयर्स पुष्पा. नहीं वो तक ये मैं मुंह दे के रात कर रहा यार. इर्जा तुम यकीन करो, अब मैं सोचती हूँ कि जितना आसान बना दी है लोगों ने अपनी पूरी लाइफ दिखा के पैसे कमाने. मैं फिर कहूँगी कोई जजमेंट नहीं है इस पे, वो उनका है. लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करना चाहते ना. मैं नहीं शो ऑफ नहीं कहूँगी. मैं शायद कंफर्टेबल नहीं हूँ अपनी फैमिली दिखाने में. मैं शायद इफ आई गेट मैरिड मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी कि मैं अपना ससुराल दिखाऊं. या मतलब ऑब्वियसली जो लाइक इफ फॉर इंस्टेंस इफ माय हस्बैंड वो आना चाहे तो ठीक है, नहीं आना चाहे तो हाँ. लेकिन मैं तुम्हें बताऊं अगर ये ना हो ना तो आप एक हद तक पैसे कमा सकते हैं, उसके बाद आप पैसे नहीं कमा सकते. मुझे नहीं पता कि मैं कितना बैश होंगी इसके बाद इस स्टेटमेंट पे, लेकिन दिस इज व्हाट आई. यार आई कंप्लीटली अग्री विद यू. हम देखते हैं कि एक तरफ वो फॉलोइंग है ऐसे लोगों की कि जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल अप्रोच के साथ कंटेंट बनाते हैं. आप उनके सब्सक्राइबर्स देख लें और फिर उनके सब्सक्राइबर्स देख लें जो सिर्फ आपको रोज़ ये दिखा रहे हैं. मैं फिर वही बात है कि हम बैश नहीं कर रहे, लेकिन हम बात करें मेहनत की कि उस कंटेंट में बहुत मेहनत लगती है और पैसे बहुत कम है. और हाँ और दूसरे कंटेंट में जिसमें आपने सिर्फ अपनी डेली लाइफ ही दिखा रहे हैं आप, ठीक है, आप किसी के साथ रिश्ता बना रहे हैं, उसको आप बेच रहे हैं, उसके बाद फिर आप ब्रेकअप कर रहे हैं और आप ये उसको बेच रहे हैं. हो रहा है कि हम लोग ब्रेकअप कर रहे हैं और फिर दोबारा पैचअप करेंगे. ये केसेस हैं ना, ये चल रहा है. हाँ, और मुझे ज़्यादा डर इस बात से लगता है कि जब आप मेरी एक को एक्टर से, आई एम नॉट गोइंग टू नेम हिम, एक दफ़ा बात हो रही थी और उन्होंने मुझे कहा कि आर्टिस्ट जो होता है ना वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है. एंड आई सेड हेल नो, ये गलत अप्रोच है. जो आर्टिस्ट होता है उसकी भी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, जो कि वो कुछ, सम पीपल चूज टू शो इट ऑन सोशल मीडिया, सम पीपल डोंट. आई थिंक आई विल ऑलवेज बी वन ऑफ दोज पीपल हु विल नॉट बी इंक्लाइन टूवर्ड्स शोइंग माय पर्सनल लाइफ ऑन सोशल मीडिया. तुम, मुझे बस डर लगता है उस चीज़ से कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड बदल ना जाए उस चीज़ को लेके. कि यार अच्छा
पैसे आ रहे हैं ना तो कुकू ये बहुत मिस करी है तुम्हारे भाई को हाँ। और उस वाले भाई को वो जो आरजू की हर वीडियो वाला में हाँ होते हैं तो मुझे इस चीज से लगता है डर कि यार बिकॉज इट्स अ बाय द एंड ऑफ द डे इट इज अबाउट मनी इट इज अबाउट द सैड रियलिटी इज तो मैं मुझे उस चीज से डर लगता है कि अगर मैं ये देखूं कि अच्छा यार अगर वो कह रहे हैं कि जी अच्छा अपने एक और भाई को या अपनी भाभी को वीडियो में अगर आप वो करें तो हम आपको इससे इतने ज्यादा पैसे दे देंगे तो मतलब यहाँ पे मॉरल्स की और वैल्यूज की बात आ जाती है कि वो आई वुड नॉट वॉन्ट टू लेट गो बट टू ईच देयर ओन कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं मैं अभी इस वक्त कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ लोगों के साथ शेयर करूं तुमने अक्सर नोटिस किया होगा मेरी वीडियोस में पीछे अगर मेरे कजन्स या भाई या अगर अम्मा अब्बा भी पार्टिसिपेट करें तो उनका वॉइस ओवर होता है हाँ क्योंकि वो खुद भी इस मामले में स्ट्रिक्ट हैं कि यार वी डोंट वांट टू बी हाँ और ये तुमने चूज किया ना उन्होंने तो नहीं चूज किया तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट एंड यू आल्सो हैव टू चूज योर हार्ट हाँ ये वाली भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप को इस बात का एहसास होना चाहिए कि यार अगर वो कंफर्टेबल नहीं है ना तो मैं उनको पुश कर करके नहीं वो कर सकती ये देख रही हो हाँ मैं देख रही हूँ मिट्टी करके गई वो ये भी खा और ये भी खा गई है इस वक्त मैं जो हूँ ना ये एक कान लेके आपका पॉडकास्ट कर ये हमारी पॉडकास्ट में हो सकता ये इधर ही हो सकता था अच्छा हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे हाँ। कि इंस्पिरेशन कहाँ से आती है कंटेंट बनाने की दिस इज आल्सो वन ऑफ दोज थिंग्स दैट आई हैव नेवर डिस्कस्ड बिफोर हाँ बट मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी में जो लोग मुझे नहीं पसंद ये उनसे इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स जैसे कि नामियाज मदर नामियाज मदर तो एक एक्सपीरियंस था जो मुझे एक शॉपिंग मॉल में ठीक है हुआ था मेरे साथ लेकिन ये जो बाकी कैरेक्टर्स हैं ना जैसे स्पेसिफिकली एक अभी मैं एक मेरा पुराना कैरेक्टर है दादी का हाँ अब वो ये इट्स नॉट नेसेसरी कि वो असल दादी के मेरी दादी हाँ, से इंस्पायर्ड वो नहीं course, है हाँ. वो हो सकता है कि एक एक्सटेंडेड आंटी से इंस्पायर्ड हाँ. हो जिनका अगर ऑब्वियसली मैंने नाम ले लिया तो वो तो वैसे ही जितनी वो मुझसे नफरत करती हैं वो हाँ. और नफरत करने लग जाएंगी हाँ. लेकिन वो वहां से इंस्पायर्ड है हाँ. जो एक मैंने अपनी ताई का कैरेक्टर किया हुआ है वो एक और आंटी से इंस्पायर्ड है और जो एक मज़े की बात लोगों को लगता है कि ये जो मेरी जो माँ वाला कैरेक्टर जो मैं प्ले करती हूँ वो उनको लगता है कि वो मेरी अपनी एक्चुअल मदर से इंस्पायर्ड है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हाँ। वो भी एक और क्योंकि मैं अभी आरजू की अम्मी से मिली हूँ आज मेरी उनसे पहले मुलाकात थी तो मैं उन्हें देख के हैरान रह गई और मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ उनसे हाँ। भाई हाँ। वो मुझे ऐसे लगा जैसे आरजू की छोटी बहन है और मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रही थोड़ा सा लिटरली तो आंटी कहती मुझे कॉम्प्लीमेंट मत दो ये सड़ जाएगी नहीं यार माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बहुत आंटी की मुझे नेचर भी बहुत अच्छी लगी और मुझे समझ आई कि तुम में ये सब कहां से आया है बिल्कुल लेकिन ये है कि ये वाले सारे कैरेक्टर्स जो हैं ये उन आंटीज से इंस्पायर्ड हैं थोड़ी थोड़ी सी जो इसमें ग्लिम्स आती है वो सोसाइटी की भी आती है अच्छा एक और चीज तुम्हारी पंजाबी अच्छी नहीं है बहुत बुरी है बहुत बुरी लेकिन तुम अक्सर वीडियोस में बहुत अच्छी पंजाबी बोलती हो वो कैसे होता है तुम यकीन करो कि मैं ना पहले उर्दू में लिखती हूँ हाँ। मैं गूगल पे जाती हूँ वो लिखती हूँ ट्रांसलेट करती वो ट्रांसलेट करती हूँ और मैं फिर बोलती हूँ क्योंकि बिकॉज मतलब हम लोग पश्तो स्पीकिंग है हम पठान है हाँ तुम्हें पता पश्तो आती है ठीक है हाँ तो मतलब मैं ना जाहिर है पश्तो मैं बहुत फरावानी से बोलती हूँ उर्दू बहुत फरावानी से बोलती हूँ हाँ, हर बात पे रोखेड़ा होड़ा होड़ा नहीं मैं अगर तुमने किसी से कहना है ना कि रोटी ला दो हाँ। तो तुम कहोगे रोटे रोड़ा रोटे रोड़ा रोटे और वशी रोटेला और वशी रोटेला अच्छा पश्तो में मुझसे प्यार का इजहार करो अच्छा तुम आता दुमरा बदा लगे दुमरा बदा लगे इर्जा तुमाता तुमरा बदा लगे मुझे लग रहा है कह रही है कि तुम्हें नजर ना लगे जमा कला कला झड़की गई चे या उदास है सड़क वरकम ताला उदास है सड़क जो कहा है ना वहीं से मुझे हुआ है कि तुमने कोई बहुत जालिम बात की है मेरे बारे में वाह तो माता बिल्कुल हम नए खोखा माता बिल्कुल नए खोखा खोखा मुझे लग रहा है ये कह रही है तुम बहुत अच्छा हंसती हो थैंक यू हाँ और स्तर के माता बिल्कुल हम नदी खुख और माता लगी चे तो डेरा बदरंग है और माता लगीचे से ना मुझे पता है क्या याद आया मैं जब वो क्रेन से गिरी थी ना तो एक कोई चैनल था श्रीलंका का कि सिंगापुर का उन्होंने मेरी खबर चलाई थी साया बेलम माती लागे
ये मुझे बिल्कुल वैसा लगा है जो तुमने बोला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें जब इसकी ट्रांसलेशन जब तुम्हें पता चलेगी तो तुम बहुत खुश होगी, तुम भी और जो हमारे पश्तो स्पीकिंग व्यूअर्स हैं उनको स्पेशली बहुत अच्छा लगेगा। गालां तो नहीं काट नहीं पता लगे तुमने मेरी कोई बुराइयां की है, कोई ऐसे हिडन सीक्रेट्स बता दिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इट्स अ वेरी मीठी मीठी भी और अग्रेसिव लैंग्वेज, मुझे मीठी भी लगती है, मुझे हाँ। थोड़ी सी अग्रेशन वाली भी लगती है। मैं तुम्हें सच्ची बताऊं, कोई मिठास वाली बात नहीं है, अग्रेशन वाली सिर्फ और सिर्फ अग्रेशन। मेरी एक फैमिली में है, मतलब खाला है जिनकी शादी जो है ना वो वहाँ पे शावर में हुई, हाँ। तो वो लोग जब बात करते हैं ना तो वो मुझे इतने स्वीट लगते हैं, वो हर बात पे कहते हैं मड़ा मड़ा। तो मैं वहाँ पे गई तो मैंने भी वहाँ पे हर बात में ना मड़ा मड़ा कहना शुरू कर दिया और हर सेंटेंस के एंड पे ना वो तो मैं भूल ही गई। मैंने सोच के रखा था इंट्रो में, मैंने इसे कहना है क्या हाल की हाल टिकोना। एक और हमारा पेट जुमला जो बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तुम कहते हैं बाढ़ में जाओ भाई। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, पॉडकास्ट तुम्हारा है लेकिन मेरा दिल कर रहा है पूछने का कि जब तुम मुझसे पहली दफा मिली तो जिस तरह मैंने सच्ची सच्ची बताया ना, तुम भी सच्ची सच्ची बताओ मुझे तुम्हारे क्या तासुरात थे। अच्छा मैंने उससे पहले तुम्हें नहीं देखा हुआ था, तो मैं सेट पे एंटर हुई और तुम नाफे के साथ खड़ी हुई थी, पूरा जायजा ले रही थी सेट का, कोई बात चल रही थी। तो एक लड़की फुल ना टेडी बियर बनी हुई है क्योंकि सर्दियां थी तो तुमने एक वो लॉन्ग कोट पहना हुआ था, बाल तुमने हल्के हल्के कर्ल किए हुए थे, नीचे भी स्वेटर था, ऊपर लॉन्ग कोट और टेडी बियर बनी हुई है एक लड़की, और बहुत वार्म स्माइल के साथ ब्राइट आईज के साथ उसने मुझसे बात की है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि पहली मुलाकात में कोई इतना वार्मली नहीं मिलता, तो वो जो जेस्चर तुमने मुझे अपनी पहली मुलाकात में दिया था ना, मेरा ख्याल है वही रीजन है कि हम इतना अच्छा बॉन्ड भी कर पाए। आपकी आंखों में वो चीज आ जाती बिल्कुल है, देखते ही आपको पता लग जाता है कि कोई आपको किस नजर से देख रहा है और उसके इंटेंशंस क्या होंगे। तो मुझे पहले दिन से ही तुमसे बड़ी अच्छी वाइब्स आई थी। अच्छा एक और बात तो जरा आज क्लियर करो, ये पठान हो इसलिए स्किन इतनी अच्छी है या फिर स्किन केयर रूटीन प्रॉपर, तुम कोई रिजीम फॉलो करती हो? यार अब तो इतने साल गुजर गए हैं साबुन से मुंह धो धो के कोई दो एक प्रोडक्ट्स है जो तुम यूज करती हो मेकअप से पहले, और मुझे नहीं पता वो कौन से प्रोडक्ट्स है, लेकिन उसमें से एक शायद प्राइमर है और एक वो सनस्क्रीन है कोई जो तुम लगाती हो। मैं बताती हूँ, सबसे पहले लगाते हैं टोनर, फिर लगाते हैं सनस्क्रीन, देन मॉइस्चराइजर एंड देन प्राइमर। अच्छा प्राइमर तक ना आपकी स्किन लॉक हो जाती है, तो जो भी आप मेकअप कर रहे हैं वो फिर आपकी स्किन के अंदर जा ही नहीं रहा है। हाँ, तो इसलिए मुझे होता है कि स्किन खराब ना करें हम, क्योंकि फेशियल्स वगैरह लेने का टाइम किसके पास है एग्जैक्टली, थोड़ा एहतियात कर ले। तो मैंने जब ये देखा मैंने कहा यार ये लड़की माशाल्लाह इसकी इतनी ग्लास स्किन है, इसका क्या राज है। फिर मैंने नोटिस करना शुरू किया कि मेकअप से पहले तुम ना हमारी एक सर्टेन रिजीम है जो तुम फॉलो करती हो। मैंने इसी तरह, अच्छा मेरे भाई भाभी जो होते हैं वो बाहर होते हैं ठीक है, मैंने ना उनको बोला, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जब आपने आना है ना तो आपने ना मेरे लिए कुछ चीज़ें लेके आनी स्किन केयर की। उन्होंने कहा कौन सी, नाम बताओ, मैंने कहा मुझे नहीं पता बस ले आना। उन्होंने मुझे कोई 10 से 15 प्रोडक्ट्स भिजवाई जो अभी जो तुम कलेक्शन देख के आई हो मेरे कमरे में, और मुझे वो पड़ी हुई है। मेरा जब दिल करता है मैं उसमें से जो है एक दो वो पंप्स निकाल के वो मैं यूज कर लेती हूँ। मुझे नहीं पता नंबर 1 पे क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता नंबर 2 पे क्या चीज़ है। आजकल जो मैं कर रही हूँ वो विटामिन सी सीरम है कोई, उसके बाद मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, और तीसरे नंबर पर मॉइस्चराइज। यार मुझे नहीं पता, ये मेरा ख्याल है कि अब ना जब हम 30 टच कर रहे होते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें फॉलो करना शुरू कर देनी चाहिए। मैं तो आई एम नाउ 31 और मैं जो हूँ ना अब ये वाली चीज़ें मैंने अब इस्तेमाल करना शुरू की हैं, क्योंकि मुझे पहले पता ही नहीं था और ना मुझे हाइड योर एज, नहीं एब्सोल्युटली नहीं, कभी भी नहीं, मतलब व्हाट इज देयर टू हाइड अबाउट, क्यों नहीं लाइक हमारे यहाँ ये समझा जाता ना कि काम मिलना बंद हो जाएगा अगर हम ये बता देंगे कि वी आर 30+ तो हमें काम नहीं मिलेगा और लोग जज करना शुरू कर देंगे। तुम्हें कभी इनसिक्योरिटी नहीं हुई? नहीं। बट डू यू हैव एनी इनसिक्योरिटीज एज से रिलेटेड या इन जनरल? इन जनरल
यार अपने आप को लेकर. अच्छा, सो आई हैव बीन अ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल ऑल माई लाइफ. इनसिक्योरिटी उसको नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है एक पॉइंट पे जब मेरे हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न इस तरह से हो गए थे ना, दैट व्हेन आई हैड गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, तो आई रिमेम्बर कि उसमें मुझे बेसिक काम करने में भी ना इश्यूज होने लग गए थे. फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने ज़्यादा देर किचन में खड़े होकर हांडी पका ली है ना, तो मेरे ना पाँव दर्द करने लग जाते थे, और विच इज़ नॉट नॉर्मल. अगर मतलब लाइक एंड दैट टाइम आई वॉज इन माई मिड ट्वेंटीज, ठीक है, आई थिंक 26-27 की बात है ये. तो मैंने इतना वेट गेन कर लिया था क्योंकि उस वक्त मैंने अपनी ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री छोड़ के मैं अब अपनी कॉर्पोरेट सेक्टर में, अब कॉर्पोरेट सेक्टर में 9 to 5 इशू ये होता है कि अब आप सारा दिन बैठ के मीटिंग्स कर रहे हैं, आप एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, एक ही कुर्सी पे, और स्पेशली वो कोविड वाले टाइम में जब आप घर बैठे हैं और आप अपने बिस्तर में बैठ के जी अब आप मीटिंग कर रहे हैं और खा रहे हैं पी रहे हैं, यही हो रहा था ना कोविड वाले टाइम में. तो मैंने इतना ज़्यादा वेट गेन कर लिया था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी, विच इज़ वाई जब मैं डॉक्टर के पास गई, द फर्स्ट थिंग दैट शी टोल्ड मी इज़ दैट यू नीड टू लूज़ दिस वेट. आप ये वेट लूज़ करेंगी तो आपकी, तो अब अक्सर लोग लाइक व्हेन पीपल मीट मी पर्सनली तो दे लाइक यार आप इतनी मोटी तो नहीं है जितनी आप स्क्रीन पे लगती हैं. आई एम लाइक आई गेट दैट, लेकिन अब वो मेरी इनसिक्योरिटी का हिस्सा तो नहीं है. ओके, आई वांट टू शेयर समथिंग हियर. यहाँ मैं तुम्हारी बात काट रही हूँ लेकिन वो मुझे याद आ गया वो इससे. सो देयर इज दिस गर्ल, ठीक है, ऑन इंस्टाग्राम, जो कि बहुत ज़्यादा बॉडी पॉजिटिविटी और इन सब चीज़ों पर ना रैंट करती रहती है हमेशा. तो वो ओवरवेट हो गई, एक हद से ज़्यादा उसका वेट हो गया. अब हमारे यहाँ ना ये बहुत ही घटिया बात हो गई है कि अगर आप किसी को कह रहे हैं कि यार यू नीड टू लूज़ वेट, उसका ख्याल करके तो वो कहेगा मुझे बॉडी शेम कर दिया. सही है, तो वो लड़की को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए और वो गई डॉक्टर के पास. तो डॉक्टर ने जब उसे देखा सारा, उसको मेडिकली चेक किया, तो डॉक्टर ने कहा कि यू नीड टू लूज़ वेट. अब बजाय इसके, वो एक डॉक्टर है, आप उसको कुछ कह नहीं सकते, आपको एडवाइस फॉलो करनी है उसकी. तो वो आके सोशल मीडिया पे शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी स्टार्टेड पोस्टिंग स्टोरीज के एक लेडी डॉक्टर ने मुझे बॉडी शेम किया है लेडी होकर. यू नीड टू लूज वेट फॉर योरसेल्फ बिकॉज आपके हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं. अब मैं बड़ी प्यारी बात की है तुमने कि अब सो व्हेन दैट डॉक्टर सेड दिस टू मी कि जी का आपके काफी सारे मसले हल हो जाएंगे अगर आप वेट लूज कर लेंगे. तो मैंने कह दिया ठीक है. उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ कि जी अच्छा जिम चली गई या कार्ब्स कम कर लिया, प्रोटीन ज़्यादा कर लिया, मतलब इस तरह की चीज़ें मैंने करना शुरू की. अब बात यह है कि ना मैं ये सोच के बैठ जाऊँ ना अगर कि अच्छा अगर जी किसी ने मुझे मोटी कह दिया है, अव्वल तो मेरा थोड़ा सा मैं डिफ्रेंशिएट यहाँ पर ये कर दूँ, दो पर्सपेक्टिव्स हैं. अव्वल तो ये कि मैं उस वक्त मोटी थी, मैं अभी भी चबी हूँ, तो मतलब अगर मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करूंगी किसी से कि जी कोई ना देखे कि यार ये ना बहुत पतली है, जो नजर आ रहा है वो ही है ना यार. ठीक है, लेकिन इसकी अब फ्लिप साइड ये है कि जिसको मैं नहीं जानती, अब अगर वो एक ये कमेंट पास कर रहा है तो ऑब्वियसली आई विल बी लाइक कि भाई हू द हेल आर यू, हमें पता है ना किसकी नीयत क्या है, क्या है. ठीक है, लेकिन ये ना अब जो तुम बात कर रहे हो अब ये बहुत ज्यादा होने लग गए कि जी वो उसने मुझे ये कह दिया या आप मुझे एक सर्टन तरीके से आप मुझसे बात करें, और यहाँ पे वो जो प्रोनाउंस वाली यार जो एक बात मुझे ना थोड़ी सी मैं खुद इस पे वो हो जाती हूँ. अब आप बात ही नहीं कर सकते किसी से, अब आप किसी को कुछ कह ही नहीं सकते. आई आइडेंटिफाई एज अ कैट तो आप मुझे कैट ही बुलाएंगे यार, दिस इज यू नो मेस्ड अप ऑन अनदर लेवल. एग्जैक्टली, मतलब आप मुझे कैट दिखाई नहीं दे रहे, नहीं मैं कैसे आपको कैट मान लूं? टू मी यू आर अ पर्सन. एग्जैक्टली, एंड आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स. एग्जैक्टली, बट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट इफ यू फील अ सर्टन वे दैट आई ऑल्सो हैव टू, आई डू नॉट हैव टू बी इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस मैन. आई एम माई ओन पर्सन और मैं आपको उस तरीके से देखूंगी जिस तरह मैं देखना चाहती हूँ. एग्जैक्टली, ठीक है, उनका भी वही ओपिनियन है, लेकिन आप इम्पोज ना करें. ये बात बेसिकली बॉडी शेमिंग से शुरू हुई थी. मैं कहना ही चाह रही हूँ कि यार हम पाकिस्तानी तो हम जिस तरह की हमारी इकोनॉमी चल रही है हम तो वैसे ही इतना थिक स्किंड हो गए हैं यार कि मतलब मुझे नहीं लगता कि हमें ये वाली चीज़ें हमें मैटर करनी चाहिए. शायद मैं बहुत लोग मुझे गालियां दें इस बात पे. सही बात है, मैं अपने शो में बोलती हूँ कि मैं इतना वो कुर्सी पे बैठ के मुझे हर वक्त बैठे रहना होता है कि नाउ आई आइडेंटिफाई एज अ चेयर. हाँ मतलब एग्जैक्टली, तुम लोग तो फिर एक्ट कर रहे होते हो, मैं तो उसी पे बैठी हूँ. नाउ आई आइडेंटिफाई एज अ चेयर व्हिच इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट बिकॉज यू आर ऑन दैट चेयर मोस्ट पार्ट ऑफ द डे. आसान काम थोड़ी है यार. अब वो कॉमेडी भी दे रही हो ना, मतलब तुम उसमें
मतलब अच्छा एक और चीज, जैसे अभी ये हमने बात की बॉडी शेमिंग को लेके कि बहुत ज्यादा ही अब लोग इसके ऊपर ना ट्रिगर होने लग गए, सेम इज द केस विद कॉमेडी. आपको इतना ज्यादा लिमिटेड कर दिया गया है कि इसी दायरे में रहते हुए आप सिर्फ कॉमेडी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हल्का सा आपने कुछ उसके अंदर किया और आपको नहीं पता कि कहाँ आपकी पकड़ होगी, आपको कैंसिल कर दिया. बिल्कुल बिल्कुल. आई हेट दिस कैंसिल कल्चर. कैंसिल कल्चर ना, क्योंकि अब वाइब बन गई है ना अर्ज़ा, अगर आप जब तक आप कैंसिल नहीं करेंगे तब तक आप कूल नहीं होंगे. तो ये तो अब एक वो एक लिजिट एक मूवमेंट बन गई है. मुझे एक वो वीडियो अपलोड करनी थी तो मैंने तुम्हें कॉल किया कि यार कोई ट्रिगर तो नहीं हो जाएगा. अच्छा इर्ज़ा, ये इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो तुमने डिस्कस की है अभी, क्योंकि जब मैं कंटेंट बना रही होती हूँ, जब तुम कंटेंट निकाल रही होती हो, तो हमारा यकीन नहीं करेंगे आपके, हमारा माइंड इस चीज़ पे ज़्यादा फिक्सेटेड होता है कि यार किसी को बुरा तो नहीं लग जाएगा. एग्जैक्टली. कोई किसी के सेंटिमेंट्स तो नहीं हर्ट हो जाएंगे. देन देर आर कमेडियंस और स्टैंड अप कमेडियंस या पीपल हु मेक फनी कॉन्टेंट कमेडियंस, जो कि सेंटिमेंट्स हर्ट करना तो दूर की बात, वो इतनी इतनी चीज़ें बक देते हैं अपने कंटेंट में कि वहाँ पे जाके ना तो आप उस तरह से कमेंट सेक्शन में उल्टी करते हैं जैसे आप हमारे कमेंट सेक्शन में उल्टी करते हैं, ना ही आप उस वक्त ट्रिगर होते हैं. और मेल्स को बड़ा ही एक एज दिया हुआ है, फीमेल है तो वहाँ पे कमेंट्स ही होंगे, ₹50 काट ओवर एक्टिंग, ₹50. अब एक फनी वीडियो अगर मैं बना रही हूँ तो ऑब्वियसली मुझे एक्सप्रेशंस देने हैं ना, मैं सीधी ऐसे यूं बैठ के तो नहीं बना सकती. और तो मुझे ये बताओ, तुम मुझे ये बताओ, लेजेंड्स हाजिरी लगवाओ का क्या मतलब है? मैं पूछना चाहती हूँ ये कौन से लेजेंड्स हैं जो कहाँ हाजिरी लगवा रहे? भाई तुम लोग कहाँ हाजिरी लगवा रहे हो? सॉरी, किसी को बुरा लगे कि इतनी ओपनली बात करी है, अगर कोई एक स्ट्रैप नजर आ रहा है ना तो कैमरामैन फोकस करो, लेजेंड्स हाजिरी लगवा, व्हाट द हेल इज दिस? मतलब आपको नहीं पता है इन चीजों का, ये इतनी ऐसी बात कैसे हो गई है? अभी मैं तुमसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की जिसपे ना वही जो कैरेक्टर है ना, वो जो माँ वाला कैरेक्टर मैं प्ले करती हूँ, उसमें वो आगे अपनी बेटी से पूछती है कि अच्छा तुम नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो. तो वो मैं फाइनली जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ी होती हूँ तो तुम्हें पता नहीं क्या कमेंट्स आए हुए हैं? क्या? इसको तो नमाज तक पढ़नी नहीं आती. मैंने और नीचे स्क्रॉल किया, मैंने कहा ये क्यों लिखा हुआ है इन्होंने. मेरा फ़ोन जो है ना, क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरे से वो वीडियो बनाई हुई है, तो जब आप नमाज में ठीक है, तो वो जो मेरा हाथ है ना, वो लेफ्ट वाला हाथ ऊपर आया हुआ है. इसको तो पता ही नहीं है कि राइट वाला हाथ ऊपर रखना होता है या लेफ्ट वाला. अब मैं मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं लोगों को ये एक्सप्लेन करती फिरूं कि भाई वो मिरर व्यू है, वो वीडियो ही इन्वर्ट हो गई है. लेकिन वो सब ने, अब वो वीडियो वायरल कंटेंट की वजह से तो हुई है, लेकिन उस पर कॉमेंट्स क्या आ रहे हैं? अच्छा है कि इसको जो है नमाज पढ़, इसको तो नमाज ही नहीं पढ़नी आती. ओ भाई क्या हो गया, कौन सी दुनिया में रहते हैं लोग? मैंने एक वीडियो पूरी एक्सप्लेन करके बनाई कि एम आई लेफ्ट हैंडेड और एम आई राइट हैंडेड. सोचो आपको अब हर चीज की एक्सप्लेनेशन भी देनी है, क्योंकि हर वीडियो में कमेंट्स क्या आ रहे हैं? ये तो लेफ्ट हैंड से खाना खाती है, इसको तो गुनाह मिल रहा है, इसको तो गुनाह मिल रहा है. ओ भाई, जब फ्रंट कैम से वीडियो बन रही है तो वो मिरर व्यू हो गया, राइट लेफ्ट हो गया, लेफ्ट राइट हो गया. बिल्कुल. मतलब ये चीजें भी क्या एजुकेट करने की जरूरत है? मुझे तो लगता है कि वो कैप्शन में ना पूरा पूरा डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि जी ये बात जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ ना 1:24 पे, ये मैं इस क्लास और इस नीश के लिए कर रही हूँ, आपने बुरा नहीं मनाना इस बात का. मतलब अब अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका लोग कैंसिल वाली cancel जो तुम बात कर रहे हो, दस्ती कैंसिल के फारे हो. तो और वही वाली बात के बाद बॉडी शेमिंग से शुरू हुई थी. तो टू साइड्स हैं, दो फ्लिप्स हैं इसके. Exactly. कि आइदर आप इतनी थिक स्किन डेवलप कर लो और दूसरा ये कि फिर आप आके रैंट कर लो. अब अगर आप रैंट भी कर रहे हो ना तो उसमें भी ना लोग ये बोलेंगे कि हाय देखो ये तो अटेंशन मांग रही है. यार आप रैंट करें ना करें, बट इट डज अफेक्ट यू किसी ना किसी पॉइंट पे, चाहे बहुत ज्यादा नहीं, कुछ लोग बिल्कुल घास नहीं डालते, लेकिन कहीं ना नेक्स्ट वीडियो बनाते वक्त उनके दिमाग में भी यही चल रही होगी चीज के यार इस पे ये तो नहीं हो जाएगा, इसमें इसको ऐसे कर लूं, थोड़ा टोन डाउन कर लूं. अब कितना टोन डाउन, कितना टोन डाउन, बिल्कुल सही बात है. तो मतलब मैं बस सिर्फ ये कहना चाहती हूँ यार कि अगर कोई आपके बहुत करीब है ना, या अगर कोई आपको रिश्ता ऐसा है और अगर वो बंदा आपको आके आपके फिजिक से रिलेटेड कोई बात कर लेता है तो लाइक अव्वल तो वो अगर इतना आपके करीबी है और अगर वो बात कर रहा है और आपने सुन लिया, आपने इंटरनलाइज कर लिया तो ठीक है, वो कह सकता है. लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही बाहर का बंदा है ना जो कि चलते फिरते आपको कह रहा है, तो लाइक यू हैव दैट ऑप्शन टू टेल देम कि यार आप ना इतना घुसे आप मेरी इतनी ज़िंदगी में. तीसरी साइड इसकी ये है कि यार आप अगर लोगों के सामने ये रैंट कर रहे हैं आके, तो लोग ना तरह तरह की बातें करेंगे.
तो मैं थिक स्किन्ड होने वाली बात, तुम देखो इर्जा के कॉन्शियसली ये मैं तीसरी दफा बात रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जहन में पता क्या चल रहा है कि लोग पता नहीं मेरी बात का क्या मतलब ले लेंगे, ये एग्जांपल भी तुम्हारे सामने आ गए कि लोग कहेंगे कि यार ये तीसरी दफा ये बात कर रही है कि अच्छा क्योंकि भाई लोग ना कैंसिल ना कर दें इस बंदे को तो। ओके सो यू आर ऑन इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, इतना लेट क्यों? यूट्यूब इतना लेट इसीलिए, ये अब आपके पहले सवाल का जवाब है। फॉर मी टू बी वेरी एक्टिव ऑन यूट्यूब आई थिंक आई विल हैव टू मेक व्लॉग्स, क्योंकि वहाँ लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट वहाँ पे चलता है, लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट या पॉडकास्ट। पॉडकास्ट वाली ना मुझे लगता है कि मेरे पास ना इस वक्त कोई इतना इक्विपमेंट है, ना इस वक्त मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट है कि मैं उसमें कर सकूं। लेकिन हमने अभी सोचा हुआ है ना कि हमने करना है। व्लॉग्स बनाने के लिए प्रॉब्लम ये होती है, आप अकेले कितना व्लॉग बना लोगे? अगर आप अपने घर में भी व्लॉगिंग कर रहे हो तो आपको चप्पा चप्पा तो दिखाना है। मैं नहीं हूँ कंफर्टेबल, जो हम बात शुरू कर रहे थे, मैं नहीं हूँ कंफर्टेबल इस वक्त कि किसी की शक्ल नजर आए या किसी के बारे में बात हो, तो मैं लोग इन्वॉल्व करने पड़ेंगे साथ। मुझे लोग इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, मुझे अपने भाई इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, वो तो दानियाल का शुक्र है बेचारा कि वो इतनी मुझे सपोर्ट कर देता है कि वो मेरी वीडियोस में आ जाता है, अदरवाइज उसका भी कोई ये वाला सीन नहीं है कि मतलब कि जी वो बहुत को खुशी से कर रहा होता है। तो मैं और ना मेरी फैमिली इस वक्त इतना कम्फर्टेबल है, तो ये वजह है। तो लेकिन अभी तुम कुछ सोच रही हो कि कोई फिजिबल प्लान बने, फिजिबल कि मेरा लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट निकले किसी तरह, जिसमें चाहे मैं वो, क्योंकि जब मैंने शुरू शुरू में ब्लॉगिंग करना शुरू की ना, तो मेरे काफ़ी सारे ब्लॉग्स ना होशियारियाँ से रिलेटेड थे। दो मैंने ब्लॉग्स बनाए दुबई जाके, मैं वापस आई तो उसमें मुझे वाकई ये वाला फील हुआ कि ये तो रेपिटेशन हो रही है, मैं कितने होशियारियाँ के। स्टिल लोग पसंद करते हैं, मैं जब भी होशियारियाँ को कोई ब्लॉग डालती हूँ सबसे ज़्यादा वही चलता है। लेकिन उसकी वजह ये भी है कि तुम्हारी अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे काफी फॉलोइंग है, अब हो रही है, अब हो रही है, ठीक है। मेरे तो 5,000 नहीं यार होके दे रहे सब्सक्राइबर, क्योंकि तुम कुछ पोस्ट ही नहीं करी तो वो कैसे होके देंगे। लेकिन मजे की बात बताऊं, मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत चलते हैं, तो उसी की वजह से सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। बहुत चलते हैं वो, अभी तो यूट्यूब शॉर्ट्स भी मोनेटाइज्ड है बट उस पे पैसे बहुत कम है। अच्छा, अभी तुमने वो बात की उसकी दुबई के व्लॉग्स की, तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने सोलो ट्रैवल किया है? यार बहुत मजा है। मैंने कभी सोलो ट्रैवल नहीं किया, लेकिन मैं एक नए शहर में जाके अकेली रही हूँ, तो वो उसको भी आप काउंट कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि आपने खुद ही सब कुछ करना है। तो सोलो ट्रैवल का मजा है, नहीं है, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है? इर्ज़ा, इट इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एनीवन, और ये मुझे लगता है कि हर इंसान को ज़िंदगी में एक दफ़ा तो लाजमी एक्सपीरियंस करना चाहिए। बिकॉज मैंने ये चीज़ देखी कि वेन यू आर कम्प्लीटली ऑन योर ओन, तो आप डर तो होता ही है, हर तरह का डर आपको लग रहा होता है, क्योंकि अब आप इतना इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अब तुम सोचो कि देख, द मिनट आई लैंडेड, आई बीन टू दुबई अब इतनी दफ़ा के ना वो रट चुका है मुझे, ठीक है? सही है। तो इस दफ़ा जब मैं जा रही थी ना, तो मतलब मुझे ये था कि अच्छा ठीक है दुबई है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसके एयरपोर्ट पे घूम गई, मतलब बिकॉज बड़ा ही इतना है, इधर उधर हो जाता है। बड़े के अलावा जो चीज़ मैटर करती है कि मैं जब भी गई हूँ, मैं या दोस्तों के साथ गई हूँ या मैं फैमिली के साथ गई हूँ, कोई ना कोई होता, कोई ना कोई होता है। तो अब इस दफ़ा ना वो वाली थी कि यार अच्छा ठीक है, आई हैव टू डू ऑल ऑफ दिस ऑन माई ओन। लेकिन एक ये बात तो है ना कि भाई बड़ी सिक्योर जगह है, सेफ जगह है, तो ऐसा कोई मसला नहीं होगा। लोग कहते हैं ना यार दुबई देखो, वहाँ पे आप लोग इतना वॉक करते हैं, इजी सीन है सब, और ट्रांसपोर्ट ना भी हो तो मतलब इतना इतना पैदल चल के जाते हैं, पाकिस्तान में चलते हुए मौत आती। मैं कहती हूँ भाई सड़कें भी तो वैसी हो ना, बिल्डिंग्स भी तो वैसी हो, कोई नज़ारे भी तो आप इंजॉय कर रहे हो, लोग भी खूबसूरत हो, तो आप उनको देख के एंजॉय करोगे। अगर पैदल चलोगे, लोग खूबसूरत होने से मुराद सिर्फ मेरा ये है कि वहाँ पे गोरे गोरी बच्चियाँ, तुम्हें समझ आई है? ये जो तुम अब जो तुम्हारे जहन में बात, तो तुमने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया वो, ओह माय गॉड। तो आपको अच्छा लगता है ना, और वहाँ पे एक चीज है कि आप बाहर निकले हैं तो एवरीबॉडी स्माइलिंग ना, आपकी तरफ देखेंगे तो एक वार्म स्माइल होगी। यहाँ पे सड़ी हुई आंटियों ने मुंह बनाए होते हैं कि अच्छा ये अगर ये स्माइल कर रही है तो इसका डेफिनेटली कोई ना कोई मकसद है। एग्जैक्टली।
आप जाके कभी ऑर्डर करें ना, और आगे कोई खातून है तो आप उससे अच्छे से ऑर्डर कर रहे हैं, तो उसने भी मुंह बनाया होता है कि मतलब आपका तो काम है कि आपने अच्छे से ग्रीट करना है ताकि हमें अच्छा महसूस हो उस जगह पे। Absolutely. यार उन्होंने भी मुंह बनाया होता है। हाँ। ये एक क्या कि ना सोसाइटी का एक अलमिया है कि आप खुश नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। लेकिन इर्जा मैं तुम्हें ये भी बात बताऊं कि उनकी सोसाइटी शायद इतनी खुश इसीलिए है क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्टेबल है। ये बहुत एक मेजर रोल प्ले करती है किसी की भी चेहरे पे खुशी या उदासी होने में। इसलिए मैं कहती हूँ कि हम जैसे लोगों की वर्थ जो है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम इतना काम कर रहे हैं लोगों को हंसाने का, अपने दुख दर्द छुपा के हम आपको हंसा रहे हैं। सही बात है भाई। सानू फॉलो करो भाई, नहीं तो बाढ़ में जाओ भाई। अच्छा, हु डू यू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम इस सेंस में कि आपको उनके कॉन्टेंट का इंतजार रहता है? इंडोर्समेंट्स चाहिए मुझे। आई फॉलो अली सुफियान वासिफ, ओ फॉर श्योर, लव हिज कॉन्टेंट। हाँ, आई फॉलो मुरो भाई। ओके, मुझे जो उनकी इतनी एस्थेटिकली प्लीजिंग वीडियोस वो बनाते हैं कि देख के मजा आ जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कैंडॉल, मुझे लगता है कि वो तो ना, वो कैंडॉल इज गिल्टी प्लेजर, ठीक है कि वो ना आपको ना मतलब बहुत ही ज्यादा जैसे उनके Q&A बहुत ज्यादा मेरी जान, हाँ मेरी जान, ये जो जो बुलबुल है ना, बुलबुल वो बात करते हुए भी ना कर लेते हैं ना काइली जेनर की तरह, तो वो मैं बहुत शौक से देखती हूँ। रुमैसा ने अब अपना कंटेंट बनाना बहुत कम कर दिया है। हाँ। लेकिन क्योंकि वो जाहिर है काफी सारे ड्रामा सीरियल्स कर रही है। हाँ। लेकिन रुमैसा बहुत अच्छा कंटेंट बनाती है। लेकिन बहुत खुश हूँ मैं उसके लिए कि Absolutely. उसको वो चीजें मिल रही हैं जो वो वाकई डिजर्व करना चाहती थी, क्योंकि उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। तमकिनत को आई फॉलो, बहुत अच्छा कॉन्टेंट वो भी बनाती है तमकिनत। सो एंड देन ऑब्वियसली देयर इज यू जो के अब मेरा नाम तो अब मैं बैठी हूँ तो तुमने ले लिया है। नहीं मैंने नहीं, आई हैव अ गुड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। अब तुम सुनो मेरी बात। जब इस लड़की से मैं मिली थी ना तो ये ट्रांजिशन वीडियोस बनाती थी। जब से मैं इसकी जिंदगी में आई इसने कॉमेडी करनी ले लो क्रेडिट, ले लो, मैं खुद प्लेट में रख के देने को तैयार हूँ, क्योंकि आई रियलाइज के ट्रांजिशन वीडियोज में आपको वो माइलेज नहीं मिल सकती है जो आपको कॉमेडी वीडियोस में मिल सकती है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ये वाली साइड भी है। इर्जा तुम ना मुझे तप चढ़ा रही हो, सिर्फ तप चढ़ा रही हो। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये मेरी कही भी बातें हैं जो तुम रिपीट कर रही हो। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है, मैं ये क्रेडिट में कह रही हूँ, मैं तुम्हें प्लेट में रख के देने को थे, यू मोटिवेटेड मी। तुम्हारे लाख दो लाख से ऊपर इस तरह गए हैं व्यूज जितनी तुमने कॉमिक रील्स बनाई हैं। तुमने जीशान भाई के साथ एक मिनट चुप करो, तुमने जीशान भाई के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें जो है तुम वो कैन खोलती हो और जो है जीशान भाई वो पी लेते हैं उसमें से, ठीक है, तो तुम्हें वो तकरीबन मेरा ख्याल है 3-4 लाख व्यूज से ऊपर जाने लगी है। नहीं, 4 लाख वो ऑलमोस्ट क्रॉस कर गई है, ठीक है। लेकिन तुम ऑनेस्टली बताओगी मेरे अंदर ये बात ऑलरेडी थी या नहीं थी? मेरे अंदर ह्यूमर वाला एलिमेंट था, मुझे एंडोर्समेंट चाहिए अपने लिए। तुम यू नहीं, यू ना करो, तुम यू आर लाइक बाय नेचर यू आर सच अ फनी पर्सन। मुझे आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट पुटिंग इट टू गुड यूज। मतलब मैं मुझे जिस चीज पे खार आती नहीं है, कर रही। तुम बहुत कम कर रही हो इर्जा। अच्छा तुम्हें ना मैं बहुत ज्यादा पुश करूँ ना, सारी चीजें कर रही हूँ, नॉट माई प्रॉब्लम। अब मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जब तुम और बहुत सारी चीजें चाहिए थे तो तुम ये थंबनेल लगा दे ये तो तुम एंड यू आर सो गुड विद कॉमेडी, यू आर सो गुड विद कॉमेडी कि तुम वो उस तरह से परसू नहीं कर रही हो जिस तरह से तुम्हें परसू करना चाहिए। हाँ। ठीक है, मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि इफ यू देखो, अच्छा अब अगर ये बात हो ही रही है ना, तो पोल खोलो। तो मैं बताती हूँ, शी इज सच एन अमेजिंग सिंगर बट शी विल नॉट सिंग, शी इज एन अमेजिंग कॉमेडियन, शी विल नॉट मेक कॉमिक कॉन्टेंट। ये वट शी इज नॉट गुड एट is transition videos and edit, जो कि मैं करके देती हूँ। सबसे ज्यादा फोकस कहाँ है? वहीं पे। क्यों?
तुम बताओ ना क्यों? उसकी रीजन ये है, मुझे रोजाना अपने शो के लिए नए कपड़े पहनने होते हैं, सही है? अब वो इतने सारे कपड़े बहुत सारे पैसों के आते हैं, और मैं कोई जद्दी पुश्ती बहुत लैंडलॉर्ड तो हूँ नहीं, ठीक है? सो यू हैव टू कोलैबोरेट विद डिफरेंट ब्रांड्स ताकि आपके पास कपड़े आए और आप पहन के उन्हें वापस करते हैं. बहुत सारे कपड़े होते हैं जो ब्रांड्स देते हैं एज ए गिफ्ट, बहुत सारे कपड़े होते हैं जो आप इसलिए पहनते हो कि आपने वो पहन के वापस करने, उनकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली इन रिटर्न यू हैव टू गिव देम द कॉन्टेंट, तो वो उसके लिए होता है. Now you understand why I make transition videos. I don't give a shit. मुझे पता है. I know. लेकिन अब बहुत बेहतरीन गाने क्यों नहीं गाती हो? जानू मुझसे ज़्यादा अच्छी सिंगर आप हैं. आपने तो प्रोफेशनली सीखा हुआ है. मैं तो लगाती हूँ गानों की वीडियोस. मैं तो लगाती हूँ. तो उतनी तो मैं भी लगाती हूँ. तुम नहीं लगाती गानों की वीडियोस. तुम यकीन करो कि अगर तुम मुझे इजाजत दो ना, और जीशान भाई पीछे से आवाज लगा देना इस वक्त कि मैं जो कह रही हूँ वो सच है. Irza, you need to understand that this is just another avenue जो तुमने नहीं explore किया हुआ. अभी देखो बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी explore नहीं की हुई थी, जैसे this podcast. ये भी मैंने अभी शुरू किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको अपने आप को evolve करते रहना चाहिए वक्त के साथ साथ. ठीक है. एक ही जगह पे आप स्टिल पानी जब खड़ा रहता है तो उसमें बदबू पैदा हो जाती है. ठीक है. तो बहता पानी जो होता है वो साफ रहता है. ठीक है. तो आपको अपने अंदर इस तरह की नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहना चाहिए. तो मुझे लगता है कि हमने काफ़ी गुफ्तगू कर ली है, और अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रह गई हैं. एंडिंग नोट पे अगर तुम कुछ कहना चाहती हो, और फिर उसके बाद मैं कहूँगी. क्या मतलब, बस इतना सा एक पॉडकास्ट था अभी तो मुझे मजा आना शुरू. नहीं, वी कैन कंटिन्यू इफ यू वांट, लेकिन मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी बातें. हाँ, नहीं बिल्कुल सही कह रही हो. बट व्हाट आईड लाइक टू एंड द पॉडकास्ट विद इज, शुरू में तुमने बात की थी कि मतलब सो इन माय लाइफ आई हैव नॉट हैड अ लॉट ऑफ फीमेल फ्रेंड्स. उसकी वजह ये रही है कि भाई मतलब मैं कभी एडजस्ट ही नहीं कर पाई, क्योंकि वो एक सर्टन तरह की नेचर होती है लड़कियों की, जिसमें मैं शायद कभी, मैं ये भी नहीं कह रही कि उनकी गलती, मैं कह रही हूँ चलो मेरी गलती कि मैं नहीं एडजस्ट कर पाई उनके साथ. बट आई एम थैंकफुल टू अल्लाह दैट यू केम इन टू माई लाइफ. हैविंग सेड दैट, ज़रूरी नहीं है कि हम रोज रात को कॉल पे बात करें. जरूरी है ये यार, ये यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी. अच्छा, यार, सुनो, ये सुनो, लड़ाई हो जाएगी. आई एम वेरी पोजेसिव अबाउट द पीपल आई लव. हाँ, ठीक है, ठीक है. वो मुझे मेरी जिंदगी में रोज चाहिए. अच्छा, ये मेरा एंडिंग नोट है, बकवास मत करो. अच्छा, तो आई एम थैंकफुल टू अल्लाह दैट यू केम इन टू माई लाइफ. मुझे नहीं पता था कि व्हाट स्टार्टेड एज बीइंग जस्ट कॉलीग्स will turn into such a beautiful relationship. और तुमने so friendship कहा है, मैंने relationship कहा है, मैं एक step आगे हूँ इस. तुम तो या plot दे रहा हुआ और बता. ठीक है. और दूसरा ये कि you I think you are someone जिसके साथ मेरी mental wavelength इतनी ज़्यादा aligned है, जो कि नहीं होता काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ. मैंने अपनी जितनी female friends को देखा है, वो मैंने हमेशा अपनी टांग खींचते हुए ही देखा है. मैंने हम दोनों के बारे में जो चीज़ नोटिस की है वो ये कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एम्पावर करते हैं, माशाल्लाह. बहुत मेरा, ये मेरा एंडिंग नोट होने वाला था. हाँ, तो तुम बाढ़ में जाओ भाई. मैंने नहीं देखा कभी कि वो एक कोट है कि क्वींस जो होती हैं वही होती हैं जो अपनी दूसरी सात लड़कियों का भी क्राउन फिक्स करें. हाँ. मुझे एग्जैक्ट कोट भूल गए. ऐसा बहुत रेयर आपको मिलेगा कि कोई लड़की दूसरी लड़की की तारीफ भी कर रही है. बिल्कुल ऐसा नहीं होता है. लेकिन जिस तरह से आरजू बिल्कुल बाहें फैला देती है ना, और एक्सप्रेस कर देती है, ये बहुत कम लोगों के अंदर होता है, विच इज व्हाई आई थिंक आई एम योर फ्रेंड एंड यस आई कैन स्पीक इंग्लिश. दो तीन दिन पहले मेरी इर्जा से फोन पे बात हो रही थी, तो ना इसने मुझे बात कोई की कि देखो ये तुम्हारी अपनी शॉर्ट कमिंग है. तो मैंने इर्जा को जवाब दिया आगे से, मैंने कहा वाह अंग्रेजी था लफ्ज ही कह देता. दो मिनट वो मुझसे बात करती रही, थोड़ी देर बाद कहती है
मुझे अंग्रेजी आती है। मैंने कहा मेरे इंग्लिश मीडियम पढ़ाई पे तूने पानी फेर दिया, अंग्रेजी का लफ्ज ही बोल दिया, क्या मतलब भाई? मैंने इसको कहा, मैंने कहा मेरा ये मतलब नहीं था, अगले दिन आके ना इंग्लिश में बात करे मुझसे, कहती है मुझे अंग्रेजी आती है। मेरे मामा आपने मेरी पढ़ाई पे इतना पैसा लगाया है। कहती है मैंने इतने पैसे लगाए, मैंने ऑक्सफोर्ड की किताबें पढ़ी। मेरे स्कूल में ऑक्सफोर्ड पैसे ले। उसके बाद हम बैठे हुए थे, दो दिन पहले किसी ने मुझसे पूछा टर्शरी की क्या स्पेलिंग है, मैंने कहा टी ई आर टी आई ए आर वाई, तो साथ बैठी कहती है ये तूने मुझे सुनाई है। मैंने कहा तूने जल्दी बोल दिया, मैं भी बोलने ही लगी थी, तूने जरा पहल कर दी है, मुझे भी आते हैं। हाय तो बा, अभी मैं ना किम कार्डशियन की तरह ऐसे करूंगी। अच्छा बहुत सारे शोज इस वक्त टीवी चैनल्स पे चल रहे हैं, हाँ। जहाँ पे गेस्ट आता है ना तो सबसे पहले कहा जाता है आपको ये शेर सुनाओ। तो हम उधर से कॉपी मारेंगे लेकिन हाँ। अपना ट्विस्ट देंगे कि हम शुरू में नहीं हाँ। हम एंड पे शेर सुनेंगे। टिकटॉक पे आजकल एक साउंड बहुत वायरल हुआ हुआ है, मुझे उन साहब का नाम नहीं पता, वरना नीचे ना लिख देना लाजमी हाँ। उनको क्रेडिट दे के ये शेर जिनका भी है। तो शेर है बीपी लो रहिंदा, बीपी लो रहिंदा, लो रहिंदा, दिल दा की करिए दिल विच ओ रहिंदा ते बीपी लो रहिंदा। दिल विच ओ रहिंदा ताइयों ते बीपी लो रहिंदा, रायता फैला दिया, लूट लिया। जाते जाते मैं भी एक शेर और इसी पे मेंट करेंगे, कोई और एंडिंग नोट नहीं है, ठीक है, कैमरे में देख के। मैं जो हूँ इर्ज़ा खान हूँ जनाब, मैं जो हूँ इर्ज़ा खान हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। क्या इतना बुरा है, लालत।